बॉक्स में जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में। में उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को ब्लॉग्स मिलेंगे। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल मजे में हैं और आज हम लोग जी F3 मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने जा रहे हैं और कुछ लोग कह भी रहे थे इस पे रिएक्शन दो और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मूवी के ट्रेलर को मिले हैं। इट मीन्स के कोई अच्छी फिल्म ही होगी और ये फ्रेंचाइज है, जिसना गोलमाल फ्रेंचाइज है ना, 1, 2, 3, 4, तो ये उसका थर्ड पार्ट है। तो F3 से क्या मतलब है, क्या शॉर्ट फॉर्म किसका किया हुआ, आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेंकटेश इसमें है, वरुण तेज हैं और साथ ही साथ तमन्ना भाटिया भी हैं। एंड तमन्ना भाटिया को तो हमने बॉलीवुड फिल्म्स में भी देखा और वेंकटेश का भी हमें पता है। बाकी एक्टर्स जो हैं उनका आप हमें बता सकते हैं। एंड सबटाइटल्स इसके मौजूद हैं तो उसी तरह ही, मतलब नीचे सबटाइटल ऊपर विजुअल, तो कभी कभी विजुअल मिस हो जाता है, कभी कभी सबटाइटल मिस हो जाता है। देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। ప్రపంచానికి తెలిసిన పంచభూతాలు 5, కానీ ఆరో భూతం ఒకటి ఉంది, అదే మనీ, పైసే వే। డబ్బున్నవాడికి ఫన్ను, లేనివాడికి ఫ్రస్ట్రేషన్। కొడుకు పైసలు నీకు మనసు రాదు, అదో పెద్ద మాయల మరాఠీ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ మరాఠీ ఫ్యామిలీ అయితే మాది దగ్గుబాటి ఫ్యామిలీ, ఐ వోంట్ లీవ్ అమ్మా, నా మాట విడు, వాళ్ళకి పెద్ద దగా ఫ్యామిలీ, వాళ్ళది దగా ఫ్యామిలీ అదే మాది దగా ఫ్యామిలీ, ఐ వాంట్ దిస్, చంద్రముఖి లెక్క బిహేవ్ చేస్తుంది, ఆడలు బంగారం చెప్తే అంతే, సైకిల్ అయిపోతారా, సోహన్ చౌహాన్ భీ హై। ఈ హీరోలకి పాన్ ఇండియా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పవర్ ఏంటో చూపిస్తా, ఉన్నదంతా ఎంత ఉంటే అంత, మళ్ళీ అదే మాట అదే లోపు, ఈ కుర్చీ ఎత్తి మిండెత్తి వాళ్ళ కొడతా, మీరేం మాట్లాడరే, అంతేగా అంతేగా, వీడికి సీక్వెల్ లో కూడా సేమ్ డైలాగా, అంతేగా అంతేగా, वो अंकल एंड में कहते हैं जैसा तुमको कहते हैं, इसका सीक्वल में भी ये डायलॉग है। मुझे गोलमाल टाइप फील्स आ रही हैं कि पैसे के पीछे, जिसका है ना हर मूवी पैसे के पीछे, फन एंड फ्रस्ट्रेशन लिखा है और उसमें एक डायलॉग भी आता है कि जिसके पास पैसा है उसका फन है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए फ्रस्ट्रेशन है। तो अच्छा एक बड़े मजे का सीन आता है, एक हीरोइन है तमन्ना के अलावा भी एक और है उसमें, हाँ उनका नाम मुझे नहीं पता, तो वो कहती है कि मुझे ये डायमंड की भी चाहिए, तो वो कहते हैं कि इस तरह के क्यों बिहेव कर रही है, तो कहता है हर औरत पागल हो जाती है उसको सोने को देख के। और फैमिली में बड़े मजे के इनके सीन्स है, वेंकटेश देख नहीं सकते और दूसरे जो हीरो है ना वो हकलाते हैं थोड़ा सा ना, तो वो बड़े मजे के उनके आपस में बातचीत है, तो वो उनको कुछ दिखा रहे हैं तो वो कहते हैं फैंटास्टिक, वो कहते हैं तुमने देखा ही का, अच्छा कहते दिखाओ, अच्छा फिर भी बोलते फैंटास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंटास्टिक, तो वो क्यों देख नहीं सकते। मजे का सीन था, दोनों ने बैग्स पकड़े होते हैं, इतनी लंबी सी लाइन में लोग होते हैं, जब वो बैग ऊपर करते हैं पूरे उठते हैं, तो सारा पैसे के पीछे है, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, खाना ये चीज भी पैसे की बनी हुई, ये चीज भी पैसे की, ये चीज भी पैसे की, दो फैमिलीज है, दो फैमिलीज के बीच में, तो जो हमें समझ आए। बाकी आप जो है इस मूवी के, अगर आपने पहले पार्ट देखे हैं तो आप हमें समझा सकते हैं इस ट्रेलर में क्या हुआ है, बेसिकली बैकग्राउंड क्या है इस मूवी का, वो हमें जरूर बताइएगा। गोलमाल टाइप फील्स आ रही है, मनी हाइस की तरह भी, हाँ मनी हाइस का सबने लगाया, कुछ बाहर आए हुए,
तो मजा आया और हंसी बहुत आई है कुछ पर्टिकुलर सीन्स पर हमें, एंड बाकी ये आप हमें बताइएगा एंड रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो. सो यू वांट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे ब्लॉग से, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, Instagram पे फॉलो कर ले लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए. इसी तरह हम आपके लिए नए नए रिएक्शंस लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.